तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी इंडक्शन कुकटॉप के ऊपर रहेगी। तो ये मेरे पास एक पीसीबी आई है रिपेयर होने के लिए। वैसे तो ये न्यू पीसीबी है बिल्कुल, लेकिन इसमें शुरू से ये दिक्कत है कि इसमें E2 का जो है वो एरर आता है। जैसे आप इसमें सप्लाई देंगे तो कोई इसका पैनल का बटन काम नहीं करेगा और इसमें सीधे ही पैनल में जो है E2 एरर जो है वो शो होता है। तो इसमें हम अभी सप्लाई सीरीज़ में इसमें देखेंगे। और इसमें मैंने एक बात और नोटिस की कि जैसे इसमें सप्लाई दी जाती है तो हल्की सी ओवर वोल्टेज जो यहाँ पे लिख के आती है और उसके बाद E2 जो है एरर शो होता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है और कौन सा कंपोनेंट जो है इसका बदलना पड़ता है। और मैंने आपको वैसे पहले भी बता दिया हुआ कि ये पीसीबी जो है बिल्कुल न्यू पीसीबी है और ये पीछे से जो कंपनी से जो बन के आई है उसमें ही कुछ वहाँ पे शायद उनसे कंपोनेंट डालने में कुछ गलती हो गई थी, तो वहाँ से गलती हुई है। तो कौन सा कंपोनेंट हम चेंज करेंगे जिससे ये हाई वोल्टेज का जो एरर शो हो रहा है यहाँ पे वो ठीक हो जाएगा, तो चलिए इसको ठीक करके देखते हैं। वैसे जो मैकेनिक लोग हैं वो तो जानते ही होंगे कि E1 और E2, E1 जो है वो लो वोल्टेज का एरर होता है और E2 जो है वो हाई वोल्टेज का एरर होता है। वैसे अलग अलग पीसीबी में ये अलग अलग हो सकता है, इसका लिखने का E2 या E9 या E8 कुछ करके ऐसे आ सकता है, लेकिन इसमें E2 जो है वो हाई वोल्टेज का एरर है जो कि मैंने चेक कर लिया हुआ है। अब तो हाई वोल्टेज का जो एरर है उसको कैसे ठीक करना है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंसेस देखी हैं, यहाँ पे 270K की और एक और हाई वोल्टेज के लिए जो रेजिस्टेंस लगी है वो साथ में, वो यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी। तो हमें दो सप्लाईज जो है वो बन के जाती हैं, एक रेजिस्टेंस जो है एक एक उसमें कनेक्ट रहती है और यहाँ से जो है वो सप्लाई यहाँ से घूम के 270K की रेजिस्टेंस के साथ में और यहाँ से सप्लाई जो बन के ऊपर 100K की रेजिस्टेंस से होके माइक्रो कंट्रोलर के लास्ट में यहाँ पे जो पिन है यहाँ पे जो है इसका सिग्नल जो है वो जाता है। तो अब हम इसको निकाल के देखेंगे। वैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि 270K यहाँ पे लिखा हुआ है और रेजिस्टेंस भी 270K की ही यहाँ पे लगी है। अब हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको शोल्डरिंग आयरन से निकाल लेता हूँ। तो रेजिस्टेंस मैंने निकाल ली है यहाँ से। तो आपको इसको मल्टीमीटर के साथ चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी है, ये कितने ओम की रेजिस्टेंस है इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे ये वैल्यू दिखा रहा है 265, यानी कि 270K के मतलब ये रेजिस्टेंस जैसे कि पीसीबी में लिखा हुआ है 270K की ही ये रेजिस्टेंस है, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें एरर जो है वो E2 आ रहा है। हालांकि सारी रेजिस्टेंस ठीक है, इसका ट्रैक बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी हाई वोल्टेज जो शो हो रहा है, इसलिए मैं इसकी रेजिस्टेंस को यहाँ पर बदल के देखूँगा। यहाँ पर 270 लिखा हुआ है पीसीबी में,
इसको मैं इस रजिस्टेंस को मैं डबल, इसकी वैल्यू जो है डबल करने जा रहा हूँ। 470 के की मेरी रजिस्टेंस है, उसको मैं यहाँ पे चेंज करके देखूँगा। फिलहाल मैंने बिना रजिस्टेंस के इसको सप्लाई देके देख लेते हैं कि E2 एरर की जगह अब कौन सा एरर शो है जो है हो रहा है। अब यहाँ पे E1 का एरर आएगा मेरे हिसाब से, तो E1 का, अब ये E1 जो है लो वोल्टेज का एरर है क्योंकि मैंने हाई वोल्टेज वाली जो रजिस्टेंस है वो निकाल दी है, और अब यहाँ पर E1 एरर यानी कि लो वोल्टेज का एरर जो है वो शो हो रहा है। तो अब यहाँ पर हम 470 के की रजिस्टेंस जो है वो डाल के देखेंगे। मेरे पास एक न्यू रेजिस्टेंस है 470 के की, इसकी वैल्यू मैं आपको चेक करके बता देता हूँ मल्टीमीटर से। फोर सेवेंटी फाइव के यहाँ पे रेजिस्टेंस जो बता रही है, तो इसको हम इसमें माउंट करके देखेंगे। तो रजिस्टेंस मैंने यहाँ पे लगा ली है, शोल्डरिंग शो कर ली है। अब पीसीबी को सीरीज सप्लाई में ही फिलहाल कनेक्ट करके देखेंगे कि इसका जो एरर है वो रिजॉल्व हुआ कि नहीं। तो सप्लाई देके देखते हैं अभी। तो यहाँ पे वोल्टेज आई और अब ये पैनल जो है वर्किंग कर रहा है, इसका स्विच भी जो है वर्किंग कर रहा है, और यहाँ पे E0 एरर जो है वो लीक आ रहा है। अब ना ही कोई लो वोल्टेज ना ही हाई वोल्टेज का कोई एरर आ रहा है। अब ये एरर जो है हमारा वो रिजोल्व हो चुका है। अब इसमें हम कॉइल को भी कनेक्ट करके देखेंगे कि इसका जो सेंस बर्तन वगैरह सेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसकी कॉइल को मैं कनेक्ट करने जा रहा हूँ।
तो अब देते हैं इसको सप्लाई। तो मैं यहाँ पे सप्लाई दे दी है और अब इसको बटन जो है मैंने ऑन कर दिया है। और यहाँ पे बर्तन रख के देखेंगे तो यहाँ पे इसने बर्तन को भी सेंस कर लिया है। अब इसको डायरेक्ट करके देख लेते हैं कि यहाँ पे बर्तन जो है हमारा वो गर्म होता है नहीं यहाँ पे। तो हाँ, तो यहाँ पे वर्किंग जो है वो कंडीशन शुरू कर दी है। तो हमारे जो पीसीबी है वो जो कि कंपनी से ही पीछे से डिफेक्टेड थी, तो हमने एक रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है हमने उसकी चेंज कर दी, तो हमारा जो एरर जो है वो रिजोल्व हो चुका है। तो इस तरह से जो है वो पीसीबी हमने रिपेयर कर ली है। तो कई बार इस तरह के फॉल्ट भी हमें देखने को मिल जाते हैं कि सारे कंपोनेंट्स बिल्कुल सही हैं लेकिन फिर भी उसमें एरर्स जो है आ जाते हैं।